अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूँ साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ क्यू मोबाइल क्यू इन्फिनिटी बी का, जो कि रिसेंटली आपको याद होगा कि क्यू मोबाइल की एक न्यू सीरीज़ लॉन्च हुई है जिसमें क्यू इन्फिनिटी बी, क्यू इन्फिनिटी सी और ई डिवाइसेज आई हैं। तो ये उन तीनों डिवाइसेज में सबसे ज़्यादा लो एंड डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर चिपसेट भी आपको स्पेक्ट्रम का मिल रहा है, जो कि यूजुअली एंट्री लेवल डिवाइसेस में ही देखने को मिलता है। और अदर देन दैट आप देख सकते हैं इसका डिवाइस का साइज़ भी उनके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इस डिवाइस में भी सबसे अच्छी बात यही है कि आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस डिवाइस का नाम ही लेबल में आपको क्यू इन्फिनिटी मिल रहा है। तो इन्फिनिटी नाम का रीज़न यही है कि आपको फुल एस्पेक्ट रेशियो के साथ डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपको बेजल साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। तो यही एक डिवाइस की सबसे एक अच्छी बात है, और स्पेशली अगर आप देखें तो इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक कि कोई भी डिवाइस अभी तक मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिले। तो ये एक डिवाइस की सबसे अच्छी बात है। अदर देन दैट अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इतनी प्राइस में आई डोंट थिंक क्या कि किसी को एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी किसी डिवाइस की। तो अगर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिवाइस परचेज करना चाहता है जिसके अंदर कोई बंदा हल्की फुल्की गेमिंग कर सके, मल्टीमीडिया यूज़ कर सके, तब आई थिंक उस बंदे को डिवाइस परचेज कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड गेमिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, तब आई डोंट थिंक कि यू शुड गो फॉर दिस डिवाइस। और फिर अगर कंपैरिजन की बात की जाए इन दोनों डिवाइसेस में, यानी कि क्यू मोबाइल क्यू इन्फिनिटी बी, सी और ई में, तो अगर आप स्पेक्स में भी देखेंगे तो इस डिवाइस के स्पेक्स उन दोनों डिवाइसेस के मुकाबले में कम है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो साइज़ हो और चाहे वो रोम या रैम हो। क्योंकि इस डिवाइस का साइज़ आप देख सकते हैं अराउंड 4.5 इंचेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा फील होगा, क्योंकि मुझे तो आदत हुई है नोट यूज़ करने की, मुझे तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है। लेकिन अच्छा है क्योंकि डिस्प्ले आपको एक तो फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा छोटा फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, हैंडलिंग में जो जिन लोगों को बड़े स्मार्टफोन यूज़ करने की आदत है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन और दूसरी अगर बैटरी की बात की जाए तो इस डिवाइस में बैटरी भी आपको उन दोनों डिवाइसेस के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि क्यू मोबाइल क्यू इन्फिनिटी ई में आपको 2500 मिलियम पेयर आवर की मिल रही थी, सी में आपको 2700 मिलियम पेयर आवर, जबकि इस डिवाइस में आपको दोनों से कम यानी कि 2000 मिलियम पेयर आवर की मिलेगी। और स्टोरेज में अगर देखा जाए तो स्टोरेज में भी आपको इस डिवाइस में 1GB की रैम और 8GB की रोम मिलेगी, जो कि उन दोनों डिवाइसेस में 16GB की रोम अवेलेबल थी। हाँ, लेकिन बाकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तकरीबन ये भी डिवाइस उन्हीं डिवाइसेस की तरह ही लगी, बल्कि लग रहा है जैसे ये उन्हीं डिवाइसेस का एक छोटा भाई है। अगर आप इसकी बैक भी रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको वही तकरीबन डिज़ाइन आपको इसकी बैक पर भी मिलता है, जिसमें आपको आपके पास एक बैटरी रिमूव करने की ऑप्शन अवेलेबल है, दो आपके पास सिम स्लॉट्स अवेलेबल हैं और एक एसडी कार्ड की स्लॉट अवेलेबल है, जो कि डेडिकेटेड स्लॉट है जिसके थ्रू आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके डिज़ाइन की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी बैक पर ही इसका कैमरा और फ्लैश लाइट अवेलेबल है, जो कि दोनों डिवाइसेस जो कि दूसरी इन्फिनिटी की डिवाइसेस थे उनमें भी तकरीबन सेम था। और इस डिवाइस का माइक भी आपको इस डिवाइस की बॉटम में मिल रहा है, जबकि चार्जिंग पोर्ट और इसका जो कि ऑडियो जैक होता है 3.5 mm का, वो भी आपको इस डिवाइस में भी टॉप पर ही मिल रहा है। और इस डिवाइस की राइट साइड पर ही आपको इसकी वॉल्यूम कीज़ और इसकी पावर की मिल रही हैं। और वैसे अगर डिस्प्ले में बेजल साइज़ की अगर आप बात करें तो आपको तकरीबन वही बेजल साइज़ जो कि आपको इन्फिनिटी सी में और इन्फिनिटी ई में मिला था, वही तकरीबन आपको इस डिवाइस में भी मिल रहा है। हाँ, सिर्फ साइज़ इसका ओवरऑल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन डिज़ाइन तकरीबन इन तीनों डिवाइसेस का मुझे काफ़ी हद तक सेम ही लगा है। और व्यूअर्स, अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए इस डिवाइस की, तो आपको इस डिवाइस में भी एंड्रॉयड वेरिएंट 7.0 यानी कि नौगेट ही मिल रहा है। और अगर ओवरऑल इंटरफेस और इसकी स्किन की बात की जाए तो तकरीबन आपको वही सारा इंटरफेस मिल रहा है जो कि आपको इन्फिनिटी सी और इन्फिनिटी ई में मिला था, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं फील हुआ। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी उनके मुकाबले में थोड़ी सी कम मुझे लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर 1GB की रैम आपको मिल रही है, जबकि उनके अंदर आपको 2GB की रैम मिल रही थी। और दूसरा, इसके अंदर रोम भी थोड़ी सी कम है, और इवन इस डिवाइस में प्रोसेसर भी आपको उन डिवाइसेस से थोड़ा सा कम मिल रहा है, यानी कि उन दोनों डिवाइसेस में आपको 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा था, जबकि इस डिवाइस में आपको 1.2 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है। और फिर अगर कैमरास की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको बैक कैमरा 5 MP का मिल रहा है, फ्रंट कैमरा आपको 2 MP का मिल रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कम लगे। लेकिन वही बात आ जाती है कि इस बजट में आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मैं कहूँगा। लेकिन फीचर्स तो अलबत्ता इसके अंदर अवेलेबल है, इवन इसके अंदर बुके मोड भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आपका बैकग्राउंड डिफ्यूज़ होता है, ब्लर होता है, लेकिन आई थिंक वो कोई
इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा क्योंकि इतने कम रेजोल्यूशन के साथ आई डोंट थिंक के बुके इफेक्ट का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, इस प्राइस रेंज में इस बजट के अंदर रहते हुए कैमरा इसका ठीक ही है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। लेकिन व्यूअर्स, इस डिवाइस का भी एक वही कौन जो कि मुझे उन दोनों डिवाइसेस में भी फील हुआ था, जो कि इसके फिंगरप्रिंट के सेंसर के हवाले से था, वही आपको इस डिवाइस में भी मिल रहा है। यानी कि इस डिवाइस में भी आप देख सकते हैं आपको कोई भी फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं मिल रहा। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप इतने बजट में आपको कोई फिंगरप्रिंट का सेंसर किसी डिवाइस में मिलता भी होगा, तो ये इसका कौन तो नहीं मैं कहूँगा। लेकिन सेंसर्स में भी आपको तकरीबन वही सारे सेंसर्स मिल रहे हैं जो कि दोनों क्यू मोबाइल की दूसरी इन्फिनिटी डिवाइसेस में थे, जिसमें प्रॉक्सिमिटी का सेंसर अवेलेबल था, लाइट सेंसर अवेलेबल था। अदर देन दैट आपको कोई भी दूसरे अच्छे सेंसर्स जो कि एक्स्ट्रॉडनरी सेंसर जो कि अच्छी डिवाइसेस में अवेलेबल होते हैं वो आपको अलबत्ता इस डिवाइस में नहीं मिल रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये था क्यू मोबाइल क्यू इन्फिनिटी बी का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी इस डिवाइस के बारे में। लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ इस डिवाइस के हवाले से, तो मुझे ये डिवाइस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वही बात है कि बजट के अंदर रहते हुए ठीक है, कोई आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट एक ये बहुत अच्छी बात है कि आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि बहुत कम डिवाइस, बल्कि आई डोंट थिंक कि मार्केट में अभी तक कोई ऐसी डिवाइस अवेलेबल है जिसके अंदर आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिले इस प्राइस रेंज में। लेकिन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बल्कि आई थिंक थोड़ी सी आपको भी स्लो फील होगी, इंटरफेस इसका थोड़ा सा स्लो फील होगा क्योंकि इसके अंदर रैम 1 GB की सिर्फ अवेलेबल है, जो कि आई डोंट थिंक सफिशियंट है आजकल की एप्लीकेशन को अगर देखा जाए तो। सो व्यूअर्स, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।